हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो प्रतिशत, प्रति क्या मतलब होता है? ईच माने प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सौ। तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हो गया कि प्रति और शत, आप इसको इस तरह 1/100 लिख सकते हैं। तो इसी का प्रतिशत को हमेशा हम इस तरह से एक पाई खींच करके उसके दोनों तरफ जीरो लगा देते हैं, इसी कहा जाता है प्रतिशत। और इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि 1/100, ये प्रतिशत हो गया। तो इसी तरह से अब हमें इस भिन्न को हल करना है और इसको प्रतिशत बदलना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 1/2 है तो हमने 1/2 लिखा। इसके बाद अब हम इसमें कर सकते हैं 100 का गुणा कर दिए, 100 का भाग कर दें। तो अगर किसी भिन्न में हम किसी संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो उसके भिन्न, उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसमें 100 का गुणा और 100 का भाग कर दिए। इसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि 1 गुणे, देखिए यहाँ पर लिख दिए 1 गुणे 100, और नीचे कर दिए 2, और इसको अलग से लिख दिए 1/100 हो गया। अब ये कितना हो गया, 1/100 को हम क्या लिख देंगे, यही हो गया प्रतिशत। इस तरह से प्रतिशत बन गया। इसके बाद अब इसको आपको हल करने ला है। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, काट दें 2 के 2, 2 5 10, और यहाँ पर 50 आ गया, और आपका आ गया कितना, ये हो गया 50, और प्रतिशत आपका बन गया है, ये हो गया प्रतिशत, 50% हो गया। इसी तरह से सभी भिन्नों को आप बहुत ही सरल ढंग से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 3/4 लिखा गया है, 3/4 को हम कैसे हल करते हैं। तो आप सेम उसी तरह से इसको भी करना है। देखिए 3/4 है, तो 3/4 में आपका क्या करना है, आप इस तरह से इसमें 100 का ऊपर गुणा कर देंगे और 100 का नीचे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएंगे, अभी हो गया 3/4, आप इसको लिखते हैं 100 यहीं 300 हो गया, 300 और गुणे ये हो गया 1/100 हो गया, 1/100 यही प्रतिशत हो गया। अब ये हो गया 300/4, और ये हो गया इस तरह से प्रतिशत। इसके बाद आप 300 में 4 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 428 हो जाएगा, 428, और यहाँ पर देखिए 4 × 5 = 20 आ गया 75%। अब आप बड़े सरल ढंग से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 3/5 है, तो 3/5 को आप क्या करेंगे, 3/5 कर देंगे 100, 300 हो गया, 100 का गुणा किए और नीचे हो गया 5, और आगे प्रतिशत लग गया इस तरह से। अब आप काट देंगे इसको, ये हो गया, आ गया 60%। 1/8 है, 1/8 को अगर सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 1/8 को जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 1/8 × 100, इसके बाद इसका प्रतिशत तो हो गया कितना, ये हो गया 100 × 8 हो गया, और यहाँ पर प्रतिशत लग गया। अब आप 100 में 8 का भाग दे देंगे, तो जब 100 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 8 × 1 = 8, और बचा कितना, 2 × 8 = 16, 4 शेष बच गया, तो इसको लिख देंगे 4/8 हो गया, यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे, या इसको आप काट देंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, इसको आप लिख सकते कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा, ये बराबर हो गया 12 × 1/2%। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।